आज जन्मदिन है बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण का। दीपिका ने अपना बॉलीवुड डेब्यू सुपरस्टार शाहरुख खान की आइकॉनिक मूवी ओम शांति ओम से किया और उसके बाद उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में कई आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस और बैक टू बैक 100 करोड़ फिल्म्स दी। तो आइए दीपिका के जन्मदिन के मौके पर उनके करियर की 5 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। नंबर 5 पर है दीपिका की आइकॉनिक मूवी कॉकटेल में निभाया उनका वेरोनिका का किरदार। इस किरदार में दीपिका की एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के द्वारा बेहद पसंद किया गया था। नंबर 4 पर आता है उनका एक जिम्मेदार बेटी का रोल पीकू मूवी में। नंबर 3 पर आता है मल्टी स्टारर मूवी ये जवानी है दीवानी में निभाया उनका नैना तलवार का किरदार। इस किरदार की मासूमियत ने कई लोगों का दिल जीता। नंबर 2 पर आता है वो रोल जिसमें दीपिका ने खुद को चैलेंज किया था। इस मूवी का नाम है गोलियों की रासलीला रामलीला। मूवी में उन्होंने लीला का किरदार बेहद शानदार ढंग से निभाया और फैंस को उनकी और रणवीर सिंह की केमिस्ट्री बेहद पसंद आई। तो आइए अब नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है उनका निभाया बेहद शानदार किरदार रानी पद्मावती जी का। दीपिका ने यह रोल बेहद खूबसूरती और चार्म के साथ निभाया था और दीपिका की इस परफॉर्मेंस ने प्रूफ करके दिखाया था कि दीपिका इस सदी की सबसे अच्छे कलाकारों में से एक है। दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिर एक बार स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आने वाली हैं। उनकी आने वाली मूवी पठान में हमारी ब्लॉगर्स टीम दीपिका पादुकोण को विश करती है अ वेरी हैप्पी बर्थडे और विश करती है उन्हें संसार की सारी खुशियां मिले। वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए प्लीज फॉलो कीजिए हमारे चैनल ब्लॉगबस।